So this is RC 200. ये जो कॉर्नरिंग में जो मजा आ रहा है इसका पहले के लेवल का है। हमने इसका स्पीड अचीव किया है, फिर से एक बार ट्राई करते हैं। बिल्कुल भी वाइब्रेशन नहीं है मशीन के अंदर, बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि जो लोअर आरपीएम है उसमें थोड़ा मुझे बजिंग साउंड आ रहा है, मतलब बजिंग फील हो रहा है, लेकिन वाइब्रेशंस वगैरह बाइक के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। एंड ये जो पार्ट है ये थोड़ा ब्रॉड कर दिया गया है, एंड जो नीचे जहाँ पे मेरे पैर ऐसे एकदम से गाड़ी को पकड़ के रखे हुए हैं वो पार्ट है जो नैरो कर दिया है। उसकी वजह से क्या है, आपको ज़्यादा अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है, स्पेशली कॉर्नरिंग जब करते हो। पहले वाली जो थी वो ऑलमोस्ट 135 या 134 की स्पीड पे एकदम से रेव लिमिटर जो है वो हिट हो जाता था, लेकिन ये वाली में आपको ज़्यादा टॉप स्पीड मिलती है। आई थिंक मेरे हिसाब से 140 आराम से ये चली जाएगी। फिर से एक बार ट्राई करेंगे वो वाले ट्रैक पे आने के टाइम पर। एंड मुझे लगता है कि थोड़ा और पुश करेंगे, थोड़ा लंबा स्ट्रेस मिल जाएगा तो और भी ये स्पीड पकड़ सकते हैं। एक बार यहाँ पे भगाते हैं। इज द टॉप स्पीड आई अचीव है, इससे भी ज्यादा जा सकती है। चलाने का जो मजा है ना, एंड ये जो इसकी स्टाइलिंग है ये है इंस्पायर्ड जो मोटो जीपी की RC 16 है,
उसके हिसाब से इसको बनाया गया है। इसका जो ग्राफिक्स वगैरह है, इसका जो डिज़ाइन है, इसका जो फेयरिंग वगैरह है, वो सब ध्यान में रख के बनाया गया है। अगर आपको ट्रैक राइडिंग सीखनी है, ट्रैक पे बाइक को चलाना है, तो ये परफेक्ट मशीन आपके लिए हो सकते हैं।